क्वांटा के। देखिए फाइलम हेमिकार्डेटम, हेमी का मतलब होता है हाफ, ये आधे कार्डेट्स हैं और आधे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये कुछ कार्डेट्स हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इकाइनोडर्म्स एंड कार्डेट्स, इकाइनोडर्म्स और कार्डेट्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डेट्स एंड इकाइनोडर्म, इनके कुछ करैक्टर जो हैं हेमिकार्डेटा, इनके करैक्टर जो हैं दे शो करैक्टर्स ऑफ बोथ इकाइनोडर्म एंड कार्डेटा, दोनों के करैक्टर शो करते हैं। दोनों ये वाले जो हैं हेमिकार्डेट्स, दीज आर ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम का मतलब है ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर चेंजेस इनटू एनस, ब्लास्टोपोर से एनस बनती है, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम। ब्लास्टोपोर क्या है? ब्लास्टोपोर इज फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो की पहली ओपनिंग है। देखिए जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो उसमें डिफरेंट ओपनिंग्स बनती हैं, जो सबसे पहली ओपनिंग बनती है उसका नाम है ब्लास्टोपोर, और ये फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एम्ब्रियो है। ब्लास्टोपोर एनस में चेंज हो जाती है, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम। और सेकंड ओपनिंग जो है, ये पहली ओपनिंग है, जो सेकंड ओपनिंग है उससे माउथ बनता है। तो ये हेमिकार्डेटा ड्यूट्रोस्टोम है, इनका ब्लास्टोपोर एनस में चेंज हो जाता है। इन्हें प्रोकार्डेट्स भी कहते हैं, प्रो का मतलब है बिफोर। ये जो मेंबर्स हैं हेमिकार्डेटा है, ये वो फाइलम है जो कार्डेटा से पहले वाला है, इन्हें प्रोकार्डेट्स कहते हैं। और इनकी एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया हेमी मींस हाफ कार्डेट्स हैं, हाफ इनवर्टिब्रेट्स हैं। दे शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ इकाइनोडर्म्स एंड कार्डेट, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। हेमिकार्डेटा के मेंबर्स ड्यूट्रोस्टोम है, इनका ब्लास्टोपोर एनस में चेंज हो जाता है, और प्रोकार्डेट्स हैं यानी कार्डेट से पहले वाला फाइलम है। ये ऊपर वाले तीन मैं फीचर्स रफ कर रहा हूँ। अब इनकी एग्जांपल्स यहाँ मैं बताता हूँ, इनकी एग्जांपल्स हैं, ये मैं नेम लिख देता हूँ। एक है सेकोग्लॉसिस, सेकोग्लॉसिस ये इसकी एक एग्जांपल है, और दूसरी एग्जांपल है बिलेनोग्लॉसिस। सेकोग्लॉसिस और बिलेनोग्लॉसिस ये इनकी टू एग्जांपल्स हैं, सेकोग्लॉसिस एंड बिलेनोग्लॉसिस ये इनकी टू एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इनका फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है इन्हें कॉर्कवर्म्स कहते हैं। कॉर्कवर्म्स क्यों कहते हैं? इसलिए कि एक ट्री है जिसका नाम है कॉर्क, उसके जो फ्रूट है उससे ये रिजेंबल करते हैं। तो ये जो है इन्हें कॉर्कवर्म कहते हैं, क्योंकि कॉर्न प्लांट का जो फ्रूट है उसे, उसके बाहर कवरिंग होती है, उससे रिजेंबल करते हैं। ये मैरीन है, समंदर में रहते हैं। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब है लिव सिंगली, सॉलिटरी लिव सिंगली अकेले रहते हैं। और नेकेड नॉट कवर्ड, स्लो मूविंग या सिडेंटरी, सिडेंटरी का मतलब है कि ये एक जगह पर पड़े रहते हैं, या स्लो मूविंग है या सिडेंटरी का मतलब है ये मूव नहीं करते, एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं, एक जगह पर पड़े रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें बॉडी इनका कैसा होता है। बॉडी इनका सॉफ्ट है और अनसेगमेंटेड है। इनका बॉडी सॉफ्ट होता है और अनसेगमेंटेड का मतलब है नॉट डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स, इनकी बॉडी में चैम्बर्स नहीं होते, इनका बॉडी अनसेगमेंटेड है। बॉडी के थ्री पार्ट्स हैं, जो फ्रंट पे पार्ट है उसका नाम है प्रोबोस्टिस, ये माउथ से आगे वाला पार्ट है,
फिर प्रोबोस्कस के बाद दूसरा पार्ट जो है वो कॉलर है, और तीसरा पार्ट जो है ये ट्रंक है। यानी बॉडी के थ्री पार्ट्स हैं। माउथ के फ्रंट पर जो पार्ट है, दिस पार्ट इज इन फ्रंट ऑफ माउथ, दिस इज प्रोबोस्कस। फिर प्रोबोस्कस से पीछे कॉलर है और ट्रंक इसका मेन बॉडी है। ट्रंक थ्री पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री का क्या मतलब है, इनके बॉडी की टू साइड्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड। इनके बॉडी की टू साइड्स होती हैं, कौन कौन सी साइड है, राइट और लेफ्ट साइड होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है बॉडी की कितनी लेयर्स हैं, बॉडी की थ्री लेयर्स हैं। सेडेंट्री का मतलब है, सेडेंट्री मीन्स मूव नहीं करते, एक जगह पर पड़े रहते हैं, तो या तो बहुत स्लो मूव करते हैं या बिल्कुल ही मूव नहीं करते, ऐसे लाइफस्टाइल को कहते हैं सेडेंट्री। और सिलोमेट है, दे हैव ट्रू सिलोम, दे हैव बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब, इनमें ट्रू सिलोम होती है। और ये जो सिलोम है ये किस किस के दरमियान कैविटी है, बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब, बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान कैविटी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का मतलब है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज मेंट फॉर एक्सक्रीशन, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज मेंट फॉर एक्सक्रीशन, इसका काम एक्सक्रीशन है। यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ग्लोमेरुलस है, ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जिसका काम एक्सक्रीशन है, मेंट फॉर एक्सक्रीशन, बट दिस इज एसोसिएटेड विद ब्लड वेसल्स। रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलैदा और फीमेल अलैदा होता है, देयर सेक्सेस आर सेपरेट। और डेवलपमेंट जो है वो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस की वजह से होती है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। तो रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलहदा अलहदा होते हैं, सेक्सेस सेपरेट हैं, मेल और फीमेल सेपरेट है, या यूनाइटेड भी हो सकते हैं। यूनाइटेड का मतलब है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल के ऊपर हो सकते हैं, यानी सेक्सेस में भी सेपरेट आर यूनाइटेड। सेक्सेस अलहदा हो सकते हैं, मेल और फीमेल अलहदा हो सकती है, या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम इंडिविजुअल। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, और डेवलपमेंट के दौरान फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है। डेवलपमेंट के दौरान फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस, फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। सेक्सेस सेपरेट हो सकते हैं, मेल और फीमेल अलहदा अलहदा हो सकते हैं, या एक इंडिविजुअल के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है ये कंप्लीट हो गया। हमने देखा हेमिकॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के जो मेन फीचर्स हैं, फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैं यहां पर लिख देता हूं। नंबर वन नोटोकॉर्ड, नंबर टू डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम, डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम, और नंबर थ्री गिल स्लिट्स, और नंबर फोर
पोस्ट एनल टेल। ये फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के जो फोर बेसिक फीचर्स हैं, यहां मैं इनका एम्ब्रियो ड्रॉ करता हूं और उसमें ये चारों फीचर्स आपको मैं बताता हूं। ये देखें, ये ऐसे है कि फाइलम कॉर्डेटा के जो एम्ब्रियोज हैं, एम्ब्रियोज ये चारों करैक्टर शो करते हैं। जब एम्ब्रियो अडल्ट में चेंज होते हैं तो ये चारों करैक्टर जो हैं, ये आगे फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाते हैं या प्रेजेंट भी होते हैं। कुछ जो लोअर कॉर्डेट्स हैं, जो सिंपल किस्म के कॉर्डेट्स हैं, उनमें ये चारों करैक्टर्स, सारी जिंदगी रहते हैं। जबकि जो हायर कॉर्डेट्स हैं, उनमें ये चारों करैक्टर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाते हैं। देखें, ऐसे है कि ये इनका जो है होलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम है, ये वाला, यहां मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखें, इसमें मैं डॉट्स लगा देता हूं, ये मैंने इसमें डॉट्स लगा दिए। जो ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं जिस एरिया में, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया है होलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम। ये डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम है, ये इसका नर्वस सिस्टम है। यहां इसके नीचे एक सॉलिड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली, इसको मैं काफी थिक कर देता हूं इस लाइन को। ये वाली जो लाइन है, ये इंडिकेट कर रही है नोटोकार्ड को, नोटोकार्ड, ये नोटोकार्ड है। और फिर यहां पर ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देखें इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे गट कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब को, डाइजेस्टिव ट्यूब इज कॉल्ड गट। गट का मतलब है डाइजेस्टिव ट्यूब या डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहां पर ये इसका फेरेंक्स है, यहां पर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं गिल स्लिट्स, दीज आर गिल स्लिट्स, ये गिल स्लिट्स है। और पोस्ट एनल टेल है, ये देखें, यहां पर ये एनस है और एनस के बाद ये टेल है, इसका नाम है पोस्ट एनल टेल, टेल बियॉन्ड दी एनस, एनस के पीछे टेल है। ये मैंने इसके चारों करैक्टर्स आपको बताए, फोर बेसिक करैक्टर। सबसे पहले मैं आपको नोटोकार्ड के मुतल्लक बता देता हूं, नोटोकार्ड क्या है। देखें, नोटोकार्ड जो है, ये फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, तो कॉर्ड, ये नोटोकार्ड से इस फाइलम का नाम कॉर्डेटा रखा गया है। ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, ये इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है नोटोकार्ड। ये नोटोकार्ड मैं डिटेल से आपको बता रहा हूं, नोटोकार्ड क्या है। नोटोकार्ड जो है, ये एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकार्ड जो है, ये क्या चीज है, ये सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड रॉड है। और ये रॉड जो है, ये अनजॉइंटेड है। अनजॉइंटेड का मतलब है इसमें जॉइंट्स नहीं है, अनजॉइंटेड, ये अनजॉइंटेड है, सॉलिड है। और ये कहां प्रेजेंट है, ये देखें, इस डायग्राम में देखें, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम है, ये वाला, और ये नीचे क्या है, गट है। तो इट इज प्रेजेंट इन मिड डॉर्सल लाइन,
मिड डॉर्सल लाइन, ये मिड डॉर्सल लाइन में प्रेजेंट है। देखें डॉर्सल का मतलब क्या है, डॉर्सल का मतलब है हमारी कमर, ये कमर के सेंटर में प्रेजेंट है, ये जो हमारी बैक सरफेस है उसके सेंटर में प्रेजेंट है, जहां पर बैकबोन है वहां ये प्रेजेंट होता है, ये इसकी लोकेशन है, यानी जो हमारी बैक साइड है उसके बिल्कुल सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। तो ये मिड डॉर्सल लाइन और किस किस के दरमियान है, बिटवीन गट एंड हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम, किसके दरमियान है, बिटवीन गट एंड हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके और गट के दरमियान है, आउटसाइड सिलोम ये जो बॉडी कैविटी है इससे बाहर प्रेजेंट है। देखें नोटोकार्ड के मुतालिक, ये जो नोटोकार्ड है इट इन लोअर कॉर्डेट्स, जो सिंपल किस्म के कॉर्डेट्स हैं उनमें ये सारी जिंदगी रहता है, इट इन लोअर कॉर्डेट्स, लोअर कॉर्डेट्स इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, इट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, ये पूरी जिंदगी रहता है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रेजेंट है और अडल्ट में भी प्रेजेंट है, थ्रू आउट लाइफ पूरी जिंदगी ये प्रेजेंट होता है। तो जो लोअर कार्डेट्स हैं, जो सिंपल किस्म के कार्डेट्स हैं उनमें सारी जिंदगी रहता है, वाइल इन वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें नोटोकार्ड चेंजेस इनटू बैकबोन, नोटोकार्ड बैकबोन में चेंज हो जाता है, बैकबोन कह लें या वर्टिब्रल कॉलम कह लें उसमें चेंज हो जाता है। तो नोटोकार्ड के मुतल्लक जो बातें आपने बतानी हैं वो मैं एक बार बता देता हूं। देखें नोटोकार्ड जो है, नोटोकार्ड क्या है, नोटोकार्ड एक स्टिफ रॉड है, अनजॉइंटेड रॉड है, सॉलिड रॉड है, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, मिड डॉर्सल लाइन, बैक साइड के मिड में प्रेजेंट होता है, जहां बैकबोन है इस जगह, बिटवीन गट डाइजेस्टिव ट्यूब एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट है नोटोकार्ड। जो लोअर कॉर्डेट्स हैं, जो सिंपल किस्म के कॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू ओवर द लाइफ, पूरी जिंदगी रहती है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये इन वर्टिब्रेट नहीं ये वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में नोटोकार्ड चेंजेस इनटू बैकबोन, नोटोकार्ड बैकबोन में चेंज हो जाती है। इस नोटोकार्ड का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इट एक्ट्स एज एक्सियल एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, ये जो है एक्सियल एंडोस्केलेटन, स्केलेटन इनसाइड द बॉडी जो कि एक्सिस के तौर पर काम करता है, उसके तौर पर काम करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स के अटैच करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको पहला फीचर एक्सप्लेन किया, एक बार मैं ये रिपीट कर देता हूं फिर हम आगे चलते हैं। देखिए नोटोकार्ड के मुतल्लक मैंने बताया, नोटोकार्ड फाइलम कॉर्डेटा का नाम जो है वो नोटोकार्ड की वजह से रखा गया है, ये सॉलिड अनजॉइंटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो मिड डॉर्सल लाइन में प्रेजेंट होता है। ये किस किस के दरमियान है, बिटवीन गट एंड नर्वस सिस्टम, ये गट है, ये डाइजेस्टिव ट्यूब है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बाद नोटोकार्ड, इसके बाद गट, गट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों के दरमियान ये नोटोकार्ड प्रेजेंट है। लोअर कॉर्डेट में सारी जिंदगी रहता है और वर्टिब्रेट्स में नोटोकार्ड किस में चेंज हो जाता है, बैकबोन में चेंज हो जाता है। ये इसका काम क्या है, एक्सियल एंडोस्केलेटन के तौर पर काम करता है, एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स के अटैचमेंट के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। ये मैंने पहला फीचर इसका डिस्कस किया नोटोकार्ड। अब सेकंड हम डिस्कस करते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड फीचर है डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम।
तमाम जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, तमाम के एम्ब्रियोस में डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब है ये बैक साइड की तरफ है, होलो अंदर से खाली है, ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ इट, इसमें क्या चीज है, इसमें नर्व कार्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल नर्व कॉर्ड, इसमें सिंगल नर्व कॉर्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड का मतलब है मेन नर्व ऑफ बॉडी। नर्व कॉर्ड का क्या मतलब है, मेन नर्व ऑफ बॉडी, बॉडी की मेन नर्व है। और ये जो नर्व कॉर्ड है ये कैसी है, ये नर्व कॉर्ड जो है ये ट्यूबुलर है, ट्यूब की तरह की है और फ्लूइड फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड है और नॉन गैंग्लिएटेड, नॉन गैंग्लिएटेड। देखें तमाम किस्म के कार्डेट्स, जितनी किस्म के भी कार्डेट्स हैं, तमाम कार्डेट्स में ये जो है ये बैक साइड की तरफ होलो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। और ये जो नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड का मतलब है मेन नर्व ऑफ बॉडी, सिंगल मेन नर्व ऑफ बॉडी है। ये जो नर्व कॉर्ड है ये मेन नर्व है, ये ट्यूब की तरह की है, फ्लूइड फिल्ड है, फ्लूइड से भरी हुई है और नॉन गैंग्लिएटेड है। नॉन गैंग्लिएटेड का मतलब है विदाउट गैंग्लिया है। गैंग्लिया किसे कहते हैं, देखिए नॉन गैंग्लिएटेड का मतलब है विदाउट, विदाउट गैंग्लिया, ये गैंग्लिया के बगैर है, विदाउट गैंग्लिया। और गैंग्लिया क्या है, गैंग्लिया हम कहते हैं मैस ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, मैसेज ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, मैसेज ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। इस नर्व कार्ड की लोकेशन क्या है, इसकी अगर लोकेशन देखना चाहें तो इसकी लोकेशन क्या है, अबव नोटोकार्ड, ये नोटोकार्ड है, ये नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड के ऊपर ये प्रेजेंट है। इसकी लोकेशन क्या है, अबव नोटोकार्ड। देखें डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम तमाम जो कॉर्डेट्स हैं इनके एम्ब्रियो में ये जरूर होता है, बाद में आगे इससे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बन जाता है। तो इसी, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल नर्व कार्ड, मेन नर्व ऑफ बॉडी है, ये ट्यूब की तरह की है, फ्लूइड फिल्ड है, नॉन गैंग्लिएटेड है, विदाउट गैंग्लिया है। गैंग्लिया मैसेज ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स को कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, अबव नोटोकार्ड, ये जो सॉलिड लाइन है ये नोटोकार्ड है, इसके ऊपर ये डॉटेड लाइन जो है ये इसके ऊपर प्रेजेंट है। ये हमने इसके दो फीचर देखे, अब मैं थर्ड फीचर आपको बताता हूं। थर्ड फीचर ये वाला है, ये देखें गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स क्या है, स्लिट का मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल ओपनिंग, स्लिट का क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडिनल ओपनिंग। गिल स्लिट्स जो है ये पेड परफोरेशंस है, ये क्या है, ये पेड परफोरेशंस, परफोरेशंस का मतलब है ओपनिंग्स, परफोरेशंस ओपनिंग्स, ये पेयर्ड ओपनिंग्स है, ऐसी ओपनिंग्स हैं जो पेयर की फॉर्म में है। और कहां प्रेजेंट होती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, ये फेरेंक्स है, ये वाला हिस्सा, इस फेरेंक्स के इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इधर है, एक इधर है, यानी पेयर की फॉर्म में है। और इनकी लोकेशन क्या है, दीज आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ फेरेंक्स, प्रेजेंट ऑन लेटरल ऑफ फेरेंक्स, ये फेरेंक्स के लेटरल साइड पर है। और इट कम्युनिकेट फेरेंक्स टू एक्सटीरियर, फेरेंक्स को बाहर की तरफ कनेक्ट करती हैं। ये जो गिल स्लिट्स हैं, ये देखें जैसे फिशेज हैं, तो फिशेज में गिल स्लिट्स किस में चेंज हो जाती हैं, गिल स्लिट्स चेंजेस इनटू गिल्स, गिल स्लिट्स से क्या बन जाते हैं, फिशेज में गिल्स बन जाते हैं। जबकि जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं जैसे ह्यूमन है, हमारा थायराइड ग्लैंड इनसे बन जाता है, और कान की जो
नाली होती है यूस्टेशियन ट्यूब, वो इससे बनती है। तो ये नेक्स्ट फीचर मैंने आपको बताया, नेक्स्ट फीचर गिल स्लिट्स, या गिल स्लिट्स का एक और भी नाम है, इन्हें फेरेंजियल पाउचेस भी कहते हैं, फेरेंजियल पाउचेस। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट होती हैं? लेटरल साइड्स ऑफ फेरेंक्स, लेटरल साइड्स ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती हैं। ये पेयर्ड परफोरेशंस हैं और ये फेरेंक्स को बाहर की तरफ कनेक्ट करती हैं। फिशेज में ये किस में चेंज हो जाती हैं? ये गिल्स में चेंज हो जाती हैं, फिशेज में गिल्स में चेंज हो जाती हैं। और जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं जैसे ह्यूमंस हैं, उनमें ये थायराइड ग्लैंड और यूस्टेक्शन ट्यूब में चेंज हो जाती है। ये देखें, ये यहां पर माउथ है और ये एनस है, एनस के बाद ये टेल है, एनस के बाद टेल है, तो पोस्ट एनल टेल। अब ये देखें इसका क्या मतलब होता है, टेल बियॉन्ड एनस, आफ्टर द एनस, एनस के बाद टेल है। ये जितने भी कॉर्डेट्स हैं, तमाम के एम्ब्रियोज में ये एनस के बाद टेल जरूर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मसलन जो ह्यूमंस हैं, उनमें ये रिग्रेस हो जाती है, एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं तो टेल होती है, बाद में ये टेल वर्टिब्री में चेंज हो जाती है, ये रिग्रेस हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाती है ह्यूमंस में। तो दीज आर द फोर बेसिक करेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के ये फोर बेसिक करेक्टरिस्टिक हैं, और ये जो फोर बेसिक करेक्टरिस्टिक हैं, ये कॉर्डेटा के एम्ब्रियोज में जरूर प्रेजेंट होते हैं। अडल्ट में ये प्रेजेंट भी हो सकते हैं और आगे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में चेंज भी हो सकते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा के फोर बेसिक फीचर्स हमने डिस्कस किए। नेफ्रिडिया इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, नेफ्रिडिया इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, ये कॉल्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स है। इट नेफ्रिडिया रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड, ये ब्लड से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। नेफ्रिडिया आर नॉट प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा, नेफ्रिडिया हेमिकॉर्डेटा में नहीं है, नेफ्रिडिया क्वाइल्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, क्वाइल्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, और दीज रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा, ये हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट नहीं है। हेमिकॉर्डेटा में मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था कि कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस वहां प्रेजेंट है, एसोसिएटेड विद ब्लड वेस्कुलर।